वजूद इमाम जमान पर होने वाले जदीद एतराजात हैं। तो एक एतराज जो बाज़ अहबाब की तरफ से आता है वो यह है कि सही है, आप जमाने के इमाम पर एतकाद रखते हैं, अकीदा रखते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें अपने ईमान का हिस्सा करार देते हैं, उसूल दीन का हिस्सा करार देते हैं, लेकिन ये जितनी भी रिवायतें मौजूद हैं ये आपकी किताबों में हैं, दूसरे मकातिब फिक्र की किताबों में नहीं है। अगर आप अपने ईमान को साबित करना चाहते हैं तो फिर दूसरे मकातिब फिक्र की रिवायतों के अंदर भी होना चाहिए और कुरान करीम में भी इसका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में तो हर चीज मौजूद है। तबियान लिकुल शय, कुरान करीम में हर चीज का इल्म मौजूद है, होनी चाहिए। अच्छा, इस सवाल को मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इससे ज्यादा मुश्किल सवाल की तरफ आगे बढ़ना है। इस सवाल के जवाब में हमारे आलिम दीन ने किताब लिखी है और किताब वाकई पढ़ने वाली है, दूसरी जबान में लिखी हुई किताब है लेकिन उर्दू जबान में भी अवेलेबल है। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम बड़ा खूबसूरत है, महदीयुन फिल कुरान, इमाम महदी का जिक्र कुरान करीम में। और कितनी आयतों में बयान किया उन्होंने? 106 आयतें, 106 आयतें जमाने के इमाम के बारे में नाजिल हुई हैं और इन 106 आयतों की तफसीर के अंदर जो रिवायतें उन्होंने लेकर आए हैं वो सब के सब अहले सुन्नत मनाबे से हैं। अपनी किसी किताब को जिक्र ही नहीं किया है, सारी अहले सुन्नत किताबों से रिवायतें जमा की है और यह किताब उर्दू जबान में अवेलेबल है। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने नौजवान साथों से कि इसका मुताला कीजिए। और जो सबसे पहली आयत जो उन्होंने बयान की है कि जमाने के इमाम के बारे में आती है, वो कौन सी आयत है? सूरह बकरा की इब्तदाई आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। यो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है और यह हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन की शान क्या है? मुत्तकीन की शान ही यह है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो गैब पर ईमान रखते हैं। और सही है कि कुरान करीम की जब भी कोई आयत आती है तो उसका एक मिज़ाज़ जरूरी नहीं है, बहुत सारे मसादिक हो सकते हैं। परवरदिगार गैब है, अभी हमारे लिए नबी अकरम भी गायब है, फरिश्ते गायब हैं, जन्नात गायब है, जन्नत और जहन्नम गायब है, बहुत सारी चीजें गायब हैं। लेकिन यहां पर जो रिवायत के अंदर मिज़ाक बयान हुआ, शेख सुलेमान कंदोजी हनफी नक्शबंदी की किताब यनाबियुल मवद्दा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, इस गायब से मुराद गायबत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। एक मैं ही मुंतजर नहीं, ए मुंतजर इमाम, महशर रुका हुआ है तेरे इंतजार में। तो जमाने के इमाम के हवाले से खुद कुरान करीम की आयतें मौजूद हैं और वो रिवायतें मौजूद हैं जो दूसरे मकातिब फिक्र की किताबों के अंदर जिक्र हुई हैं। और उन्हीं में से एक रिवायत, और वो रिवायत उस आयत के ज़ेल में आती है जिसे मैंने इब्तिदा में सन्नम कलाम की खिदमत बयान किया। इरशाद होता है कि वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, परवरदिगार ने यह वादा किया है। तवज्जो फरमाइएगा, एक नुक्ते की तरफ आगे लेके जाऊंगा। परवरदिगार ने वादा किया है आप में से जो साहिबान ईमान हैं और जो अमल सवाले करने वाले हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्व, यकीनन यकीनन उन्हें खलीफा बनाएगा जमीन में, जमीन में एक हाकिम करार देगा। कमस्तखलफल्लदीन मिन कबलहिम, जिस तरीके से इनसे पहले हुक्मरान आए हैं और इलाही हुक्मरान आए हैं और अंबिया कराम हैं, पेशवाए दीन इलाही हैं, वो आए हैं, इसी तरीके से कुछ और हैं जो आने वाले हैं। लयस्तखलिफन्नहुम, और इसमें ताकीद आप देख रहे हैं, लाम लाम ताकीद, नून ताकीद सकीला, अरबी जबान से आशाएं रखने वाले अफराद मौजूद हैं तो मुसलसल ताकीद है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज, यकीनन यकीनन हम इस जमीन के वारिस बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे। वला युमक्किनन लहुम दीनहुम अल्लज़िरतदा लहुम, और यकीनन यकीनन हम इस दीन को पूरी दुनिया में मुसल्लत कर देंगे, पूरी दुनिया में फैला देंगे। और फिर आगे क्या फरमाया? वला युबद्दिलन्नहुम, और फिर यकीनन यकीनन बाद खौफहिम अमना, हम खौफ की फिजा के बाद अमन अमान कायम कर देंगे। कितनी नजदीक है हमारे आपके हालात से कि वाकया पेश आने वाला है, यकीनन पेश आएगा। नवे सरकार हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, उनके हुजूर असहाब मौजूद थे और इमाम आखिरी जमाने की निशानियां बयान कर रहे थे कि आखिरी जमाने में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है।
बयान फरमाते फरमाते यहां तक बात आई, मिसाल के तौर पर सुफियानी का खुरूज होगा, यमनी कयाम करेंगे, सारी बातें बयान करने लगे। बयान करते करते फरमाने लगे, इनमें से ये अलामात वो हैं जो हतमी हैं, ये यकीनी अलामात हैं। अब जो सहाबा जो असहाब थे वो भी समझदार अफराद थे, जानते थे कि हमारे अकायद में से एक अकीदा वो है जिसे अकीदा बदा कहा जाता है। बुजुर्गान इस अकीदे से वाकिफ है, सिर्फ नौजवान दोस्तों के लिए मैं एक जुमले में अर्ज करूं कि अकीदा बदा किसे कहते हैं। अकीदा बदा इसे कहते हैं कि एक चीज इल्म इलाही में मौजूद थी, लेकिन बजाहिर हम समझ रहे थे कि यह मामला ऐसा नहीं चलेगा, अचानक से खुदा ने अपने इरादे को तब्दील किया और वो चीज जो दुनिया में राइज थी उसे तब्दील करके पेश किया। मिसाल के तौर पर बहुत सारी इसकी मिसालें हैं जो बयान की गई हैं। अब मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर रहा हूं, गरचे इसके बारे में भी थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है कि सैयद मोहम्मद के बारे में बाद अफराद ने कहा कि वो इमाम बनने वाले थे, बजाहिर हालात ये लग रहे थे कि वो इमाम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े बेटे थे, 10वें इमाम के सबसे बड़े बेटे थे, इसलिए महसूस हो रहा था कि शायद वो इमाम हो जाएंगे। लेकिन सैयद मोहम्मद का इंतकाल उनके वालिद ही की जिंदगी में हो गया। जब वालिद ही की जिंदगी में हो गया तो फिर लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये इमाम नहीं थे, इमाम कोई और है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम बनेंगे। तो चूंकि आमतौर पर एक रवैया यह पाया जाता था कि हर इमाम के बड़े फर्जंद इमाम होते हैं, जो नेक हो, जो शरीफ हो, जो साहिब किरदार हो, वो इमाम होते हैं, और वो बड़े भी हो तो इमाम होते हैं, तो जो एक आम रविश चल रही थी उस रविश को तोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है बदा। अब साहबी ने सवाल किया कि नवे सरकारी बताइए, आपने जो बयान किया है कि यह हतमी निशानियां हैं, यह हतमी अलामतें हैं, क्या इसमें बदा मुमकिन है? क्या इसमें बदा मुमकिन है कि ये वाकयात पेश ना आए? रिवायत के जुमले अर्ज करूं, हल यब्दउ लिल्लाहि फिल महतूम, क्या हतमी अलामतों में परवरदिगार बदा कर सकता है? इमाम ने शाह फरमाया, नाम, उसके अंदर बदा हो सकता है। जब इसने सुना कि इसके अंदर बदा मुमकिन है, यानी मुमकिन है कि ये हतमी अलामतें भी पेश ना आए, तो फौरन से सवाल किया, फिर यह बताइए कि क्या इमाम जमाना के जहूर के अंदर भी बदा हो सकता है? मुमकिन है कि परवरदिगार 12वें सरकार को पैदा करे, गैबत में लेकर जाए, फिर जहूर ही ना हो और कयामत आ जाए, फिर जमाने के इमाम की ज्यारत ही ना हो, इमाम मेहदी की ज्यारत ही ना हो और उसमें बदा हो जाए, गैबत इमाम जमाना खत्म ही ना हो और वैसे ही कयामत आ जाए, क्या इसमें भी बदा मुमकिन है? तो अब जवाब सुनिएगा, इमाम का फरमाने लगे, इन लकाइमा फिल मियाद वल्लाहु ला युखलिफुल मियाद, याद रखो कि कायम आले मोहम्मद का जहूर यह वादा इलाही में से है और खुदा अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। आप लज्जत ले चुके हैं, लेकिन मिस इबारत का लफ्जी तर्जुमा पेश करूं ताकि मजीद और लज्जत में इजाफा हो। फरमाने लगे, इन लकाइम फिल मियाद, कायम आले मोहम्मद वादे इलाही में से हैं, वल्लाहु ला युखलिफुल मियाद, और परवरदिगार अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। यह मैंने आपकी खिदमत में हदीस और रिवायत पेश की, और अब आइए उसी आयत की तरफ जैसे सदनामे कलाम में पेश किया था, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, परवरदिगार का यह वादा है। सूरह नूर आयत नंबर 55 इसमें शायद हो रहा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, परवरदिगार का यह वादा है साहिबान ईमान से, अमल सवाले करने वालों से, कि इस जमीन में एक वारिस बनाएगा जो पूरी दुनिया में दीन को मुसल्लत कर देगा और जो खौफ के हालात थे उसको अमन में तब्दील कर देगा। तो ये वो निशानियां नहीं है और वो बातें नहीं है कि जिसमें तब्दीली आ सकती है, ये यकीनी हतमी और वो अकीदा है कि जिसके बगैर निजात मुमकिन ही नहीं। और फिर जमाने के इमाम की जब विलादत होती है तो अजीब शान से होती है। रिवायतें बहुत सारी हैं, किस किस को बयान करूं, किस को छोड़ू, मुझे एक मौके तक पहुंचने के लिए तमहीदात बयान करना जरूरी है। जमाने के इमाम की जब विलादत होने वाली थी, जो हकीमा खातून है, इमाम की फूफी होती थी, उनसे कहा गया कि आप आज की रात यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि जिस फर्जंद के बारे में वादा किया गया था वो आज की सुबह मुतवल्लिद होगा और उस तरफ से
दुनिया वालों के लिए सूरज नमूदार हुआ, और इस तरफ से आशिकीन हजरत जहरा और आशिकीन मौलाए कायनात के लिए नूर इमामत तुलू हुआ और जमाने के इमाम की विलादत हुई। जब विलादत हो गई तो उसके 7 दिन के बाद जनाब हकीम खातून दोबारा तशरीफ लाई, और जब दोबारा तशरीफ लाई तो क्या देखा कि इमाम काफी नशोनुमा पा चुके हैं और इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने वालिद गिरामी से। और गुफ्तगू करते करते मैंने क्या सुना कि 12वें सरकार की जबान से जुमला जारी हुआ, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीन इस्तज़ईफू फिल अर्ध वनजअलहुम आइमतन वनजअलहुमुल वारिसीन। कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि हमने इरादा किया है कि हम इस जमीन में जरूर उन अफराद को जिन्हें कमजोर कर दिया गया है उन्हें ताकतवर बनाएंगे, उन्हें जमीन में इमामत देंगे, उन्हें जमीन की विरासत देंगे, यह इरादा है। और फिर जैसे ये जुमले मुकम्मल ना हुए थे कि इमाम हसन अस्करी ने अपने बेटे को मुखातिब और कहा, बेटा ये बताओ क्या तुम सोफे आदम को जानते हो, सोफे इब्राहिम को जानते हो, सोफे मूसा और ईसा को जानते हो? जबूर की तिलावत करो, तौरात की तिलावत करो, इंजील की तिलावत करो, कुरान करीम की तिलावत करो। मैं कहूंगा यह अंदाज तो या पहले इमाम में नजर आता है या आखिरी इमाम में नजर आता है। जब पहले की विलादत हुई थी और वह आगोश रसूल में आए थे तो तिलावत की थी, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशऊन, यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए जो नमाजों में खुजू खुशू रखने वाले हैं। मैं कहूंगा जब कायनात का अमीर और मोमिनों का अमीर इस दुनिया में आता है तो सूरे मोमिनून की तिलावत करता है, और जब जमीन का वारिस इस दुनिया में आता है तो आए विरासत की तिलावत करता है। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين।